सो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं डेक राइफल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम रूट करने वाले हैं Redmi Note 7 को। गाइज, Redmi Note 7 का रूटिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन रूट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आपने Redmi Note 7 का बूटलोड अनलॉक नहीं किया है तो सबसे पहले आप बूटलोड अनलॉक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बिना बूटलोड अनलॉक किए Redmi Note 7 को रूट करने जाएंगे मेरे सॉफ्टवेयर से तो सॉफ्टवेयर बीच में फ्रीज हो जाएगा। सो मेक श्योर गाइज, आप Redmi Note 7 का बूटलोड अनलॉक कर लीजिए। गाइज, मैंने आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है कि आप कैसे Redmi Note 7 का बूटलोडर अनलॉक कर सकते हो। सो गाइज, चलिए अब बात करते हैं Redmi Note 7 को रूट कैसे करें। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलते रहे। गाइज, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, Redmi Note 7 Pro का भी रूट टू लाने वाला है इस चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। गाइस, Redmi Note 7 को रूट करने के लिए सबसे पहले तो आपको Redmi Note 7 रूटर डाउनलोड करना होगा। मैंने डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो मेक श्योर आप पहले डाउनलोड कर लीजिए। गाइस, Redmi Note 7 को रूट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये सब फाइल्स चाहिए। ये सब फाइल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सो मेक श्योर आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले डाउनलोड होने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे जो पहले ड्राइवर है इसे हमें इंस्टॉल करना है। इसे इंस्टॉल फटाफट कर लेते हैं। गाइस, ADB ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद अब आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ जाना है। स्क्रीन पे आने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अबाउट फोन में जाना है। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको MIUI वर्जन पे 7 टाइम्स टैप करना है। जैसे आपको दिखेगा यू आर नाउ अ डेवलपर, आपको बैक जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको नीचे डेवलपर ऑप्शन दिखेगा, उसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको USB डिबगिंग अनेबल कर देना है। सो अनेबल करने के बाद अब हम यहाँ पे Redmi Note 7 रूटर को रन करेंगे। गाइज, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि अगर आप Redmi Note 7 रूटर को यूज़ करते हो तो आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। सो मेक श्योर आप रूट करने से पहले आप अपने सारे डेटा को कंप्यूटर में बैकअप कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अलाउ USB डिबगिंग का स्क्रीन पे ऑप्शन आ गया, तो अब हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश है, उसे क्लिक कर देंगे। रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमें रूट पे क्लिक करना है। गाइस, रूट हार्डली 1 मिनट लेने वाला है। 1 मिनट के बाद आपका Redmi Note 7 रूट हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी बता रहे हैं यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड वॉल्यूम अप बटन एंड क्लिक ओके। सो अब हमें वॉल्यूम अप बटन दबाना है। वॉल्यूम अप बटन दबाने के बाद अब हमें यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, वॉल्यूम अप बटन आपको 15 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, जब तक आपको मोबाइल स्क्रीन पे TWRP का स्क्रीन नहीं दिखेगा। जैसे ही आपको TWRP का स्क्रीन मोबाइल पे आ जाता है आपको वॉल्यूम अप बटन छोड़ देना है। फिर आपको Redmi Note 7 पे कुछ भी नहीं करना है, जैसा आप वैसे छोड़ दीजिए, पूरा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रूट कर देगा आपके डिवाइस को। गाइस, एक बार रूट प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद आपका डिवाइस कुछ ऐसा रिबूट होएगा। गाइज, अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मेरा डिवाइस सही में रूट हो चुका है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो मैजिक्स मैनेजर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको वेरीफाई करने के लिए दिखा देता हूँ कि हमारा मोबाइल सही में रूट हो चुका है। सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करने के बाद हमें चेकर प्रो सर्च मारना है।
यहाँ पे चेकर प्रो को इंस्टॉल कर लेंगे। MB का सॉफ्टवेयर है गाइस, बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, सो इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इसे आप अपना डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो, जरूरी नहीं कि Redmi Note 7 या कोई भी डिवाइस हो, आप इसे इस सॉफ्टवेयर से वेरीफाई कर सकते हो कि वो डिवाइस रूटेड है या नहीं। सो गाइस, डाउनलोड होने के बाद अब हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर को रन करना है। सो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये चेकिंग रूट एक्सेस बता रहा है। अब हमें सिंपली ग्रांट पे क्लिक करना है। सो गाइस, अब ये डिवाइस रूट हो चुका है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो Redmi Note 7 हमारा रूट हो चुका है। रूटिंग के टाइम पे अगर आपको कोई भी ऐसा इशू होता है जिससे आप रूट नहीं कर पा रहे हो फ़ोन, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपका डिवाइस सक्सेसफुली रूट हो चुका है, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, क्योंकि गाइस ऐसे ही टेक वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। सो गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।